माफिया अतीक अहमद की एक और बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। माफिया अतीक अहमद की लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई है। ये जमीन माफिया अतीक की बेनामी संपत्ति थी। अतीक ने ये प्रॉपर्टी बीपीएल कार्ड धारक हुबलाल के नाम पर खरीद रखी थी। हुबलाल 500 रोजाना पर मजदूरी करता है। जब्त की गई जमीन की बाजारों कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए है। अतीक अहमद ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर 14 अगस्त 2015 को कुल 16 संपत्तियां खरीदी थी। अतीक अहमद ने 14 लोगों को धमकाकर 16 संपत्तियां हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। अतीक अहमद और 4 अन्य के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ था। गैंगस्टर मामले में अतीक अहमद के साथ नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख को भी आरोपी बनाया गया था। इस मुकदमे की विवेचना कैंट थाना पुलिस कर रही है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद हुबलाल खुद पुलिस के सामने आया था। उसने पुलिस को ये जानकारी दी थी कि अतीक गैंग ने उसके नाम पर जबरन जमीन लिखवाई है, जिसे वह अब सरकार को स्कूल, कॉलेज या अनाथालय के लिए देना चाहता है। सर हमको वो लोग दिए, पैसा नहीं दिए हमको, हमसे जबरदस्ती करवा लिए। कौन हम उसको क्या जाने, कौन जबरदस्ती करवाया आपसे? अब हमको नहीं पता है। आपके नाम कितनी जमीन है जो आज हम जो भी हो इतना भी हम नहीं जानते हैं। हम मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। यहाँ आपको किस लिए लाया गया था, क्या बताया गया है? यहाँ हमको लाया गया है, हम अपनी जमीन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो नाम सरकार को दे रहे हैं, वो सरकार बनाएगी। वहाँ अनाथालय बनाए, कॉलेज बनाए, विद्यालय बनाए और जो भी अच्छी चीज बनाना चाहती हो बना दे हमको। ये जमीन से हम हमारे नाम से जितनी जमीन है हम पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। कैसे आपके नाम आ गई जमीन इतनी? कैसे आ गई? हमको डरा, हमको आके वो लिखवाया गया। किसने डराया धमकाया था? हम उसको क्या जाने का। अच्छा, मतलब आपके नाम पे करवा दिया गया, आपकी जमीन नहीं थी, वो किसी और ने करवाया। आपकी पुश्तैनी जमीन कितनी है? हमारे पुश्तैनी जमीन केवल हमारे नाम से 2 बिस्सा है। 2 बिस्सा? 2 या 3 बिस्सा हो भी दे रहे हो? नहीं सर, वो तो हमारे रहने के लिए है। कौन सी जमीन आप दे रहे हैं जो आपको मिली थी? वो जो हमारे लिखाई गई है जबरदस्ती हमसे। आपके नाम जबरदस्ती लिखाई? तो कौन लोग लिखवाते थे? अरे हम क्या बताएं। अच्छा, ये बाद में थे क्या वो लोग? वो फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं मानपुर के। मानपुर के लालापुर। घर कैसे, जमीन कहाँ है? घर हमारा, हम करते हैं काम, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी से हमारा भोजन चलता है। और तो इनके यहाँ इनके संपर्क में कैसे आ गए आप, अतीक अहमद के? इनके संपर्क में कैसे? संपर्क में नहीं आ गए, हमको जबरदस्ती करवाया गया। कितने परिवार में लोग हैं आपके? हमारे परिवार में 4 लोग हैं, एक औरत है, एक लड़की है, एक लड़का। प्रयागराज KDCP सिटी दीपक भूकर के मुताबिक अतीक अहमद के परिवार व गैंग से जुड़े दूसरे लोगों की भी अन्य बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। हुबलाल एक राजमिस्त्री का काम करता है जो संज्ञान में आया है। पुलिस ने जो जांच की है, 14 की कार्रवाई जो की गई है वो अतीक का गैंग है, जिसमें 3 और सदस्य हैं, जिनके द्वारा आर्थिक, भौतिक, दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए बेनामी संपत्तियाँ खरीदी गई हैं। उसी के क्रम में हुबलाल की संपत्ति ये पाई गई है, जिसके तहत आज कमिश्नर महोदय द्वारा कार्रवाई की गई, 14 में जब्ती की कार्रवाई की गई है। जहां तक आगे की कार्रवाई के बारे में है, उसमें 3 महीने का समय होता है धारा 15 के तहत। जो भी आदमी प्रत्यावेदन देना चाहे वो दे सकता है, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। पर्चे देते सर। दिनेश द्विवेदी, SPO प्रयागराज।